नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया खबर पंजाब से। मोगा की जमीन पर पैदा हुए बॉलीवुड स्टार सोनू सूद को आज मोगा पहुंचने पर उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बीते दिन पंजाब सरकार की ओर से पंजाब के गवर्नर बोध नार ने सोनू सूद की काबिलियत पर उन्हें पंजाब रत्न अवार्ड से सम्मानित किया था। बेशक पंजाब के बहुत से स्टार फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमा चुके हैं, लेकिन धर्मेंद्र के बाद वे दूसरे पंजाब के बॉलीवुड स्टार हैं जिन्हें पंजाब सरकार की ओर से पंजाब रत्न से नवाजा गया है। वहीं सोनू सूद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि उनके लिए यह सबसे बड़ा सौभाग्य है कि पंजाब सरकार की ओर से मनाए जाने वाले विजय दिवस पर उनको यह अवार्ड मिला है। अपनी आने वाली हिंदी फिल्मों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, आइए सुनते हैं। अज अपने शहर जितों जिंदगी शुरुआत हुई उत्थे ही शहर के पंजाब रत्न अवार्ड मिला, कल मिले जेडे गवर्नर साहब ने बी पी बदनौर जी उन्होंने हथ, और बड़ा अच्छा लगे। उत्थे शहीदी दिवस असी शहीदों के परिवारों में मिलिया। 1971 के वॉर के जोड़े जिन्हें परिवार वाले शहीद होए, जिन्होंने खुद वॉर के हिस्सा लिता सी जंग के, उन्होंने सारे लोगों ने मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लग्या। खासकर मैं हमेशा कोशिश करता कि जो भी पंजाब या खासकर मेरे शहर मोगा जो भी कोई ऐसा फंक्शन होए तो उत्थे मैं जरूर पहुँचा। और मेरी शूट चल रही थी पलटन की लद्दाख के, मैं परसों ही खत्म करके आया, और सबसे पहले मैं जो रिक्वेस्ट किया अपने डायरेक्टर संजय गुप्ता साहब को कि मैं इतनी बड़ी ऑनर मिल रही है तो मैं जाना चाहना, तो सबसे पहले उन्होंने किया कि जरूर जाओ और जरूर इस चीज़ का हिस्सा बनो। और जब मैं कल आके मैं अवार्ड मिला, मैंने सबसे पहले अपने शहर के लोग याद है कि जिन्हों के कारण गुवाओं के कारण मेरी हर हमेशा जो आने एक स्टेप जिंदगी अगर बढ़ रहे हैं तो वो बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरी शूटिंग पलटन चल रही है, जेपी दत्ता डायरेक्टर ने, वॉर फिल्म भी बड़े मशहूर ने, बॉर्डर बनाई उन्होंने फिल्म, हूँ उन्होंने साजिद करियर की बहुत वीडी पिक्चर बना रहे हैं। क्योंकि असं करीबन 2 महीने लद्दाख शूटिंग करके आए हैं, और इंडो चाइना वॉर की कहानी तो किस तरह पलटन ने पूरी जंग लड़ी से उसकी कहानी है। बड़ी मुश्किल सी उत्थे वैदर, -20 दे विच असी शूट कर रहे थे, बर्फ पै रही थी, खड़े होना मुश्किल सी, पर जो असी शूट कर रहे थे महसूस हो रहा कि जेडे साढ़े देश के जवान ने जो पूरी पूरी जिंदगी उत्थे रहते हैं, 6-6, 8-8 महीने लाते हैं, उत्थे जंग लड़ते हैं, जब वो रुक सकते तो असं क्यों नहीं। आई थिंक जो असी वर्दी जब उन्होंने जवानों की वर्दी पा के खुद शूट करते तो थोड़ा पता लगता है, महसूस होंगे कि जिम्मे खुद उस आर्मी का हिस्सा है। बड़ा अच्छा लग्या मैंने शूट करके, और हमेशा इच्छा सी मेरे फादर शक्ति सागर हमेशा डैड कहते होंगे कि बड़ी इच्छा है कि इन्हों जंग किसी ना किसी ढंग ने अपने देश के जी फौज है वह हिस्सा बन सको। वो मौका नहीं मिले, इंजीनियर बन गए, एक्टर बन गए, लेकिन जो थानू इस एक्टर करने का हिस्सा मिलता तो लगता कि हाँ खुशी जो देश के जवान थोड़ी खुश कर रहे हैं उन्होंने जिंदगी की है, तुम्हें देखने का मौका मिला। उसके अलावा मैं मणिकर्णिका फिल्म कर रहा हूँ कंगना रनौत के साथ, जी प्रोड्यूसर ने उसकी शूटिंग परसों तो शुरू हो रही है, मेरा पार्ट परसों तो शुरू हो रहा है, वैसे पिक्चर की ऑलरेडी शेड्यूल हो चुका है। उसकी शूटिंग बॉम्बे है, बीकानेर है, तो वो अगले साल मई जून के महीने आएगी, बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत वो भी पीरियड फिल्म है। तो क्रिश डायरेक्टर ने जिन्होंने अक्षय कुमार ने गब्बर फिल्म बनाई थी, तो वो शूटिंग काफ़ी अच्छी चल रही है। फिर उसके अलावा एक होम प्रोडक्शन है जी पापा के नाम से ही प्रोडक्शन स्कूल है, वो अगली पिक्चर शुरू होने वाली है, तो वो मैं अर्जुन रामपाल है वो अभी मार्च शूटिंग शुरू करा। फिर एक मैं कुरुक्षेत्र फिल्म की है जी साउथ की फिल्म है, वो सारिया लैंग्वेज आऊगी तमिल तेलुगू हिंदी के, वो मैं अर्जुन का रोल निभा रहा, तो वो शूटिंग खत्म करके आया मैं परसों, तो ये चल रही ने फिल्मों ने और जंग जारी जी। सर मतलब पंजाब बारे या पंजाबी फिल्मों बारे या पंजाब से हिंदी फिल्म जी तो होर लैंगुएज फिल्म बनाने की कोई योजना होम हो प्रोडक्ट मैं हूँ काफ़ी लोगों को मिले, और मैं हमेशा जो कह रहा मैं हमेशा चाहता एक दिनों भी पंजाबी फिल्म जरूर करा, और हूँ पंजाबी सिनेमा भी बहुत तरक्की कर रहा है, बढ़िया फिल्म हिट हुई हैं, लोग देख रहे थे, इंटरनेशनल मार्केट बन गई, तुम देखोगे पंजाबी फिल्म अज इंडिया ऑस्ट्रेलिया कैनेडा हिंदी फिल्मों का ज़्यादा बिजनेस कर दी, जी बहुत वही गल है, बहुत इन्होंने बड़े सालों से इंतजार से कदों पंजाबी सिनेमा उस स्तर मिले जो डिजर्व कर दी,
आई थिंक जो डायरेक्टर्स ने एक्टर्स ने स्टोरी राइटर्स ने बड़े अच्छे आए हैं तो होपफुली कि आने वाला समय जोड़ा है उसे तो अपन सब लोग इंडस्ट्री इन्ना इतनी स्ट्रॉन्ग हो जूगी कि असं भी साउथ इंडस्ट्री में कहें पंजाब इंडस्ट्री लोग बाहर ले दूसरिया इंडस्ट्री चु आके काम करना चाहते हैं। सुनो जी पिछे जो विधानसभा का इलेक्शन होने से तो बड़ी अफवाह थी कैंडीडेट आ रहे जी फ्यूचर से की तो देखो उस समय मैं अप्रोच जरूर किया गया गवर्नमेंट ने और मैं मिला भी उन्होंने पर मेरा एक ही इच्छा सी कि मेरी मेरा बड़ा सपना है कि मैं मोगे शहर को पंजाब का सारा वधिया शहर देखना चाहता जो मैं मिले भी कैप्टन साहब मिला सब मिले मैं क्या मेरा वैसे ही बिजी है मैं पर जे मैं कभी इस तरफ रुख करूँगा तो मैं अपने शहर ही करूँगा ताकि आने वाली जनरेशन से जरूर याद रखें कोई ऐसा बंदा है जिन्हें शहर का रूपरेखा बदल दी तो कोशिश जरूर रहूगी मेरी कि मैं जब भी इस लैवल का मैं लगे कि मैं लिया के अपने शहर लिए कुछ कर सकता तो मैं डेफिनेटली बड़ा कंफ्यूज कि मैं करना चाहिए नहीं करना चाहिए मैं खुद एक्टर बिजी है कि मैं उन्हें समय दे पाऊंगा नहीं पाऊंगा मैं नहीं चाहता कि कल मैं बिजी रहा मेरे शहर के लोग कह कि यार ये अपने शहर छोड़ के उत्थे बिजी है और समय नहीं दे पा रहा मैं कभी भी शिकायत इस तरह उन्होंने बनना चाहता मैं चाहता कि मैं परिवार जिन्होंने अपना शहर मानता अपने लोग इतने लोगों को अपना परिवार का हिस्सा मानता उन्होंने ज़्यादा तो ज़्यादा समय बिताव हजे टाइम है उन्होंने इलेक्शन पर डेफिनेटली अगर कुछ गल होएगी या कुछ सब टर्म्स कंडीशन हो गए तो मेरा यू नेवर नो जी मैं लद्दाख के जिन्ना भी शूट कर रहे हैं सारिया रियल बंदूक ने रियल मशीन गन्स ने रियल बुलेट्स ने क्योंकि सारी आर्मी जे पी दत्ता साहब मशहूर ने इस चीज़ों की क्योंकि उन्होंने सब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस परमिशन मिल गई शूट करने और जो आप आर्मी फिल्म कर रहे नकली गन्स के नहीं शूट कर सकते तो उस समय बड़ी उन्होंने प्रैक्टिस करने का मौका मिला असली गन्स चलाने का मौका मिला असली बुलेट्स चलाने का मौका मिला आई थिंक वो एक एक्टर्स और जब जे पी दत्ता फिल्म कर रहे थे सब खास तौर पर यू नो उन्होंने इंजॉय करने का या प्रैक्टिस करने का मौका मिलता गल करिए अकैडमी की अकैडमी जी मेरी सिस्टर है मालविका वो चलाने ने हॉलीवुड अकैडमी मैं हमेशा कहना कि मेरे मदर का बड़ा सपना सी किस तरह का कोई स्कूल कॉलेजेस या ऐसा क्योंकि तो उन्होंने खुद टीचर सी तो हमेशा चाहते थे कि वो एक ऐसे टीचर जो योगदान होता टीचर का वो वाला कोई दान नहीं है जो सिक्ख्या का दान होंगे सारे ना वाला होंगे तो हम मैं बड़ी खुशी होती कि मेरी सिस्टर मालविका एटलीस्ट उन्होंने रास्ते से चल रही जिंदगी कुछ स्टैप्स लिते ने उन्होंने स्कूल खोले मुल्क हूँ जी अकैडमी है वो बड़ी खूब मेहनत करते हैं खूब नाल करते हैं तो मैं पूरा साथ दिना कि बड़े स्टूडेंट्स ने भी जो बाहर जिन्होंने जाने का मौका मिले सपने वेले वो बड़ा अच्छा है मैं हमेशा इन्होंने कहना कि होर ऐसे अपन ब्रांचेस खोलनिया चाहिए जिससे आप ज़्यादा ज़्यादा टाइम दे सके बट लोग सानू सही चाहिए तो कोशिश जारी है कि लोग जुड़ते रहें लोग मिल भी रहे हैं उन्होंने गल्लां बातें भी साड़ियां चल रही हैं पर जो पूरी टीम हो जाएगी विल ट्राई टू एक्सपैंड जी पब्लिक हीरो बना रही है जी जो हीरो बन जाते हैं थोड़े जोड़े मतलब कि गनमैन वगैरह होते हैं ऑफिसर होते हैं पब्लिक को क्यों पीछे छकते हैं ठीक है मैं तुम दसदा मैं बिल्कुल थोड़े इस गल सहमत है और मैं हमेशा भी मेरा जो भी देखोगे मैं घट्टो घट सिक्योरिटी ने चलता घट्टो घट बाउंसर ने चलता और मेरी उन्होंने बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शनस होंगी कि जेडे लोगों के जो लोगों आप हटाने की कोशिश करते हैं धक्का देने की कोशिश करते हैं इन्होंने लोगों के कारण ही आप इतने बने तो बहुत जरूरी है कि ध्यान दो मेरे न बड़ी इंसीडेंट्स हुए जो अभी मेरे शहर जाने मेरे बाउंसर ने मैं सारे पहले उन्होंने बुला के अपने रूम इंस्ट्रक्शन से दिना कि किसी को कोई धक्का नहीं लगना चाहिए किसी को कुछ जो तकलीफ नहीं पहुँचनी चाहिए कोई सेंटीमेंट्स किसी से हर्ट नहीं होने चाहिए उन्होंने नाल लेके चलूँ थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन होगा मैंने खुद सिक्योरिटी मिली हुई थी पुलिस सिक्योरिटी एक साल तक मेरा गनमैन से बॉम्बे सब कुछ सी मैं उन्होंने मैंने छः महीने लगे उन्होंने हटाने के कि भैया मेरा एक्सेस जोड़ा है आप पब्लिक का नहीं होना चाहिए मैं खुद एक पब्लिक का हिस्सा है तो उसलिए मैं चाहूँगा कि उन्होंने जुड़े रहा
लेकिन कई बार ऐसी इंसीडेंट्स होती हैं, तुझे एक्टर्स ना देखते हो सिक्योरिटी पर्पज ना धक्के वाजदे, कुछ ऐसी इंसीडेंट्स होती हैं, पर मैं सिर्फ बाउंसर्स या सिक्योरिटी वाले नहीं दोषी कहूँगा, मैं लगता कि पब्लिक भी आपां भी ज़्यादा रिएक्ट कर देने हैं, कुछ होंगे या ऐसी इंसीडेंट्स होंगे जिदे कारण वो इदा दे प्रीकॉशनस लेंदे आ, बट आई थिंक दोनों पब्लिक नूं भी ते सिक्योरिटी वाले नूं वी हैव टू टेक केयर कि वो एक मिल के एक फैमिली वन चलन ते आई थिंक ऐसे इंसीडेंट्स नहीं होंगे। हॉलीवुड इंग्लिश अकैडमी तो हाँ, मैं बहुत वधिया टीचिंग लै टीचिंग देंदे आ, टीचर्स इतने बहुत वधिया वेरी कोऑपरेटिव आ, तो मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट दे विच घूमी आ, पर इतने सब तो वधिया मैनू लग्या तो मैं 2 मंथ्स पहला इतने लगी सी, तो मैं इतने बहुत कुछ सीखी, पहला मैं बहुत कन्फ्यूज होंगी सी, मेरे तो मॉड्यूल भी नहीं कंप्लीट होंगे सके, पर हम मैं बहुत कुछ ज़्यादा सीखी, तो मतलब सारे वधिया टीचर सारे 1-to-1 टीचिंग देंदे आ। की हुण तक सीखा तुसी? मेरी लिसनिंग एबिलिटी काफ़ी इंप्रूव हुई है, इहदे नाल इत्थे लिसनिंग मेरी इंप्रूव नहीं सीगी। की बनना की तुसी करना चाहुंदे हो अगे फ्यूचर दे विच? मैं अपनी स्टडी जिहड़ी फर्दर अब्रॉड दे विच परस्यू करना चाहुंदी हां, इस करके मैं इह अकैडमी जॉइन कीती आ। तुसी डांसिंग नूं ज़्यादा महत्व दे रहे हो, कि डांसिंग दे प्लेटफॉर्म ते आना चाहुंदे हो? यस, इफ गेट आई गेट एन अपॉर्चुनिटी। बहुत वधिया सिखाउंदे आ, जदों मोस्टली जदों सोनू सर आउंदे आ ना इत्थे, ओह सानूं बहुत वधिया टिप्स दिंदे आ, तां जिहदे करके साडी एनर्जी भी बूस्ट हुंदी आ ते सानूं साडियां एबिलिटीज भी काफ़ी इंप्रूव हुंदियां क्योंकि ओह सानूं। ये थी मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट, आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।